गीता के अध्याय 10 विभूति योग का श्लोक 16 देखते हैं। पहला चरण व के बाद में आधा क और त पूरा, ये जो ऐसे साइन बना हुआ है इसका मतलब होता है आधा क और त पूरा, त पे उ की मात्रा लगा देंगे। वक्तु, व के साथ आधा का पड़ा, वक्तु म के साथ आधा र, म पूरा है म के साथ आधा र, म ह पूरा आधा स, हस य पूरा हस य, शे शे, दोनों श में डिफरेंस है, शेष आप शेष बोलते हैं तो शे पहले कमजोर और श षटकोण पे ज्यादा, वैसे शेषेण। पहला चरण रिपीट करेंगे, वक्तुमर हस्य शेषेण। दूसरा चरण दिव्या दिव्या या, या, या का अर्थ हुआ ह आधा, और ह के अंदर आप अंदर ढंग से देखें मात्रा के अंदर य दिख रहा है, अंदर य पूरा और य पे आके मात्रा या, या के बाद आधा त और म पूरा, यात्म यात्म नहीं है, ह का उच्चारण आना चाहिए, ह यात्म भी नहीं होगा क्योंकि ह आधा है, या जैसे अपन री ये सब बोलते हैं ना एच आर है, वैसे इसको बोलना है या, एच वाई ए या, विभू, भू की मात्रा बड़ी है लंबा खींचेंगे, विभू त और य पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करेंगे, विभूत य, शब्द पुराने के बाद य के बाद विसर्ग है, य में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, विभूत य। सेकंड चरण रिपीट, दिव्यात्मा विभूतयः, पहला और दूसरा चरण साथ में, वक्तुमर हस्य शेषेण दिव्याख्यात्मा विभूतयः। तीसरा चरण या भिर, या भी की मात्रा छोटी और आधार, या भिर विभू, वी की मात्रा छोटी है, भू वापस बड़ी मात्रा, इस शब्द में ध्यान रखना है, आपको ध्यान है हम लोग रोज जब इसका टाइटल भी बोलते हैं तो इसमें ध्यान रखने की क्या बात है, विभूति उस दिन भी बताया कि आपको भू की मात्रा को लंबा खींचना है, वापस ती को छोटा करना है, विभूति विभूति, ठीक है। आगे भिर, भी के साथ आधार र, भिर लोका, तीसरा चरण रिपीट, या भिर विभूति भिर लोका। चौथा चरण नीमांस, नी मा के ऊपर आधा न, क्योंकि शब्द के बीच में जब भी बिंदी आती है तो उसको हम पढ़ते हैं आधा न, नीमांस नीमांस त आधा व पूरा, नीमांस त्व शब्द पुराने के बाद त्व पे व पे बिंदी है वो आधा में, ढंग से सुनिएगा, शब्द में बीच में कहीं पर भी बिंदी आती है उसको अपन पढ़ते हैं आधा न, तो नीमांस, ठीक है। और आधे त के साथ व पूरा त्व शब्द पुराने के बाद व पे जो बिंदु है उसको पढ़ेंगे आधा म, निमांस त्वम, व्या व आधा या पूरा, व्या आधा प य, व्याप्य ती के साथ आधा श से षटकोण, तिश थ सी तिश ठ सी। चौथा चरण रिपीट, निमांस त्वम व्याप्य तिश थसी, तीसरा और चौथा चरण साथ में, या भे विभूति भे लोका निमांस त्वम व्याप्य तिश थसी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, वक्तुमर हस्य शेषेण दिव्याख्यात्मा विभूतयः। याभि विभूतिभि लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अगेन, वक्तुमर हस्य
शेषेण देव्याख्यात्मा विभूतयः याभि विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। श्लोक का अर्थ देखेंगे। या वक्तु, वक्तुम यानी वर्णन करने में, आधा म, आप म पूरा दिख रहा है, म आधे को इसके साथ ले लिया, वक्तुम वर्णन करने में, म में अ की मात्रा है तो अर हसी, आप ही समर्थ हो। इसके बाद में वक्तुम अर हस्य, य में अ की मात्रा है तो अशेषेण, अशेषेण शेष रहना यानी बाकी रहना, अशेषेण यानी फिर कुछ बाकी रहेगा ही नहीं, मतलब संपूर्णता से। अशेषेण दिव्या, दिव्या का अर्थ हुआ जो दिव्य, दिव्या यात्म, ह में या ह में आ की मात्रा जुड़ी थी, सॉरी य में आ की मात्रा आ, आत्म विभूतयः, आत्म यानी अपनी, अपनी दिव्य यानी दिव्य, तो अपनी दिव्य विभूतियों का मैं अब क्या करूंगा, संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ है। ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन, क्योंकि कल भी भगवान को अर्जुन ने बोला था ना कि आप जो हो वो अपने आप से अपने आप को ही जानते हो, उसी में आगे क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हो। ये पहले चरण में हुआ। या भी, या भीर, तो या भी का अर्थ हुआ जिन विभूति, विभूति यानी वही चीज, विभूति भीर लोका, विभूति यानी विभूति भी यानी विभूतियों से, लोका, लोका के बाद में लोका और न आधा लेंगे तो लोकान यानी संपूर्ण लोकों को, फिर ई की मात्रा है तो ईमान, ईमान यानी इन, आंस्त्वम निमांस्त्वम व्याप्य, व्याप्य व्याप्त करके, तिष्ठसी यानी स्थित है। पूरा अर्थ क्या हुआ? इसीलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। भगवान को अर्जुन अब जो बात कह रहे हैं कि जिस जिस अलग अलग दिव्य विभूतियों के साथ आप इस संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं, उसका वर्णन करने के लिए केवल आप समर्थ हैं। इसीलिए भगवान आगे आने वाले श्लोकों में स्वयं ही सारा वर्णन करेंगे कि किस तरीके से वो विभूतियों का, विभूतियां किस किस में, किस किस रूपों में भगवान हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण।